अपना हाथ देखो फिर जमीन को प्रणाम करो, तो उसका मतलब हम लोग उस समय नहीं समझ में आता था, लेकिन अब हमको वो सब समझ में आने लगा है। और जो हमारे पुराने प्रिंसिपल सर थे, उपाध्याय सर, इतना अच्छा से स्कूल को जो मेंटेन कर रहे हैं या मेंटेन किए हैं, उनको मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ। और हमारे नए प्रिंसिपल सर का भी शुक्रिया करता हूँ कि जो फिट्स मॉडल भूमिया को इतने अच्छे तरीके से चला रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। और सभी जो स्कूल की इंटायर टीम है उसको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, चाहे वो सर हो या मैडम हो, और जो भी हमारा इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर रहे हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। अभी ये जो प्रोग्राम था बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, बहुत ही अच्छा ट्यूनिंग था। अभी ये जो बच्चे सब मिलिट्री वाला प्रोग्राम कर रहे थे वो हमको मेरे आँख में आंसू आ गया, क्योंकि हम लोग थोड़ा उत्तर प्रदेश के, थोड़ा हम लोग जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, ऐसा है। और मेरे पिताजी बोलते थे एक चीज, जब हम लोग क्लास 8 और 9 में गए थे तो मैं बड़े बच्चों को ये बोलना चाहूंगा कि वो बोलते थे केवल 3 साल मेहनत कर लो फिर जिंदगी तुम्हारी आगे बढ़ जाएगी। 3 साल मतलब कि ग्रेजुएशन, अगर आप ग्रेजुएशन अच्छा से कर लीजिएगा तो आप लाइफ भर सक्सेस रहिएगा। अभी जितना पढ़ोगे बाद में उतना कम लिखना पड़ेगा। अभी हम लोग 3 भाई हैं, तीनों भाई हम लोग क्लास ए ऑफिसर हैं, और अभी हम लोग खाली साइन करते हैं और हम लोग को लिखना नहीं पड़ता है, भाई चाहे वो बिल का साइन हो चाहे कॉन्ट्रैक्ट का साइन हो, छोटा साइन करना पड़ता है। मेरे पापा बोलते थे कि भाई अभी पढ़ोगे तो कब बाद में कम लिखना पड़ेगा, अभी नहीं पढ़ोगे तो क्लर्क बन जाओगे तो खाली लिखना ही पड़ेगा। इसलिए सबसे मेरा अनुरोध है कि अच्छे से पढ़िए, अपने माता पिता का सेवा करिए और देश को आगे बढ़ाइए, क्योंकि जब हमारा परिवार सही रहेगा तो मेरा राज्य सही रहेगा और हमारा देश सही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।